चंडीगढ़ से तो बम्बे से आ जाओ, यहाँ किसी भी टीम को नहीं घुसने देंगे। ये है कि यहाँ कोई भी कर्मचारी बढ़ेगा तो गांव में वो आपकी जान का खुद जिम्मेवार होगा। ये पुलिस तो दूर की बात रही, मिलिट्री आओ तो भी हमें अंदर नहीं घुसने देंगे। आज गांव समैन इकट्ठा हुआ है, घर घर वाइज सब आ रहे है। आज गांव की हाजरी में गांव ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि जो अब आंदोलन चलिया हुआ बॉर्डर पर उसके बारे में पूरा सहयोग गांव ने दिया है, पूरा बढ़ चढ़ कर, चाहे वो पैसे का है, चाहे वो आदमी वहां जाने का, महिला जाने का, वो भी वहीं है। और एक बिजली का बड़ा फैसला लिया है, जब तक सरकार किसानों की सुनाई नहीं करेगी जब तक हम भी सरकार के साथ नहीं है। सारा गांव का फैसला है कि सरकार के साथ बिल्कुल नहीं है सारा गांव। सरकार का चाहे कर्मचारी है, चाहे कोई सरकार का विधायक मंत्री है, कोई भी है, चाहे बिजली मंत्री है, जो बिजली मंत्री भी अलग अलग से उठपटांग बयान दे रहा है बिजली के बारे में, जो पुराने मीटर लगे हुए हैं गांव में, चाहे किसी का नया भी लगे हुआ है, यहाँ कोई भी एक्शन SDO JEE कोई भी कर्मचारी है बिजली का यहाँ गांव में ना घुसे जब तक आंदोलन चल रहा है दिल्ली में। अगर वो गांव में घुसेगा तो गांव की आज इकट्ठा हुआ है, गांव की एकता हुई है कि यहाँ कोई भी कर्मचारी बढ़ेगा तो गांव में वो आपकी जान का खुद जिम्मेवार होगा। और सरकार किसान और मजदूर को, गरीब को, सबको मारने पे तुली हुई है। हम सरकार का इसलिए विरोध कर रहे हैं कि महंगाई सिलेंडर का, डीजल का, तेल का, सारी चीज़ों पूरी महंगाई करी हुई है। इसलिए गांव का फैसला है कि यहाँ कोई भी सरकार का ऑफिसर है चाहे कर्मचारी एक्शन SDO कोई यहाँ गांव में ना घुसे, और घुसेगा तो उसका पूरा फुल जोर विरोध होगा। चंडीगढ़ से चाहे बम्बे से आ जाओ, यहाँ किसी भी टीम को नहीं घुसने देंगे। यहाँ सारे गांव की एकता है, कोई भी बिजली की टीम आएगी यहाँ उसकी खुद जिम्मेवार होगा आपकी जान का, वो यहाँ कोई नहीं घुसेगा। जब तक आंदोलन चल रहा है दिल्ली में हम यहाँ सरकार का आदमी कोई नहीं घुसने देंगे गाँव में, वो खुद जिम्मेवार होगा जो अगर कल ना कोई अनहोनी होगी। भाई आज हमारा गांव इकट्ठा हुआ है, थोड़ेदार मेन जो जिम्मेवार आदमी है सभी गांव के इकट्ठे हुए हैं और सभी ने एक फैसला लिया है, एक चर्चा चल रही है भाई स्मार्ट मीटर लगाने लग रही है। हमें स्मार्ट मीटरों का विरोध करते हैं और ना कोई हमें छापा मार देंगे। जब तक हमारा किसान आंदोलन चल रहा है इसमें हमारे को भटकाने के बजाय पूरे जोर दे दिया, लेकिन हमें हमारे गांव पूरा इकट्ठा हुआ है, सब ने विश्वास दिया है हमें, बिल्कुल भी ये पुलिस तो दूर की बात रही, मिलिट्री आओ तो भी हमें अंदर नहीं घुसने देंगे। बिजली मंत्री का बयान आया ही, उनकी बयान देना पड़े पहले थोड़े गांव की तरफ तक काम करते हुए छापे मारने, जो बयान बिजली मंत्री ने देना पड़े दबादब लग रहे थे ज्यादा, मतलब सारा ये छापे मार कर, मतलब हाँ ये मतलब जो दंड चट्टी लाने लग रहे कोई इसका या तो गांव लेवल की बनाकर बाकायदा प्रेस में भी कही जावा ताकि प्रेस में आ जाए।